अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज और आज जिस चीज का हम रिव्यू करने वाले हैं वो है क्लैशन कोव की सागा। अच्छा, एक छोटी सी कंफ्यूजन ये है कि लोग समझते हैं क्लैशन कोव जो है वो किसी वेपन का नाम। क्लैशन कोव एक कंपनी है, एक रशियन कंपनी है जो कि एक मॉडल में आती है सेगा, सेगा MK03। अच्छा, सेगा के अंदर दो मॉडल आते हैं, एक लॉन्ग बैरल और एक शॉर्ट बैरल। अभी जिस चीज का हम रिव्यू करने वाले हैं वो है सेगा की शॉर्ट बैरल। आइए मैं दिखाता हूँ। अच्छा, इस पैकेज में आपकी राइफल है, आपका मैगजीन है, दो मैगजीन के साथ आती है ये, और इसके अलावा आपकी क्लिनिक किट वगैरह है और ऑयल रखने के लिए एक कंटेनर है। अच्छा, अभी हम ये बात नहीं करेंगे कि इसकी बैरल लेंथ कितनी है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, हम वो आप गूगल करके भी देख सकते हैं। अब आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की। अच्छा, शॉर्ट बैरल के अंदर एक जो सबसे बड़ा प्रो है बहुत से लोगों के लिए, मुझे वो थोड़ा सा कॉन लगता है, वो ये है कि अगर आपकी राइफल सेफ है और इसका बर्ड कोडेड है तो ये फायर नहीं करेगी। मैं आपको दिखाता हूं कि आपकी राइफल लॉक पे है और मैं इसको, इसकी सेफ्टी हटाना चाहूं तो इसकी सेफ्टी नहीं हटेगी। अच्छा, ये सिर्फ शॉर्ट बैरल के अंदर है, मेरे पास यहाँ पर लॉन्ग बैरल भी अवेलेबल है लेकिन ऐसा उसमें नहीं है। एक चीज तो है, दोनों में जो फर्क है वो अराउंड 1 या 2 इंच का फर्क है इन दोनों की लेंथ के अंदर। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि शॉर्ट के अंदर ये एक फैसिलिटी, जब तक मैं इसको सेफ सेफ मोड पे नहीं लेकर आऊंगा तब तक इसका बट फोल्ड नहीं होगा, और जब तक इसका बल्ब फोल्ड है तब तक ये फायर नहीं करेगी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये कि लोग पूछते हैं कि इसकी जो क्लीन किट आई है उसके अंदर कोई रॉड वॉड नहीं है इसको साफ करने के लिए, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर ना इसकी एक रॉड ऑलरेडी मौजूद है जिसको हम निकाल के इसकी क्लीन किट के साथ अटैच करके इसके बैरल को साफ कर सकते हैं। बहुत ही रगड़ वेपन है, धूल मिट्टी रेत हर चीज में वेपन चलता है, मतलब मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। बाकी दूसरी चीज ये कि पिकनी रेल दी हुई है दो जगहों पे, यहाँ पर अपनी फ्लैश लाइट या फिर अपना लेजर वगैरह हर चीज लगा सकते हैं। इसके साथ जो मैगजीन ऑन स्टॉक आते हैं, दोनों मैगजीन 10-10 राउंड के आते हैं, लेकिन वो क्योंकि कंट्रीज के लॉज होते हैं कि बहुत जगहों पे अलाउ नहीं होता कि आप 30 राउंड का मैगजीन दे सकें, लेकिन आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके अंदर एक ब्लॉक, एक पेन होती है जिसको आप हटा के इसको 30 राउंड कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द लॉ आपके इस कंट्री में, एक कंट्री में नहीं है। अच्छा, बहुत अमेजिंग राइफल है, मेरे पास खुद भी है और पर्सनली मैं इसको यूज भी करता हूँ। बहुत एक्यूरेट तरीन वेपन है, बहुत रगेड वेपन है। ये अवेलेबल है मस्टैंग आर्म्स एंड एमिनेशन पे।